लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर विनोवेटिव को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमको दी है। हम लगातार SBI के जो मिनिमम बैलेंस का जो उनका नियम आया था उसकी लगातार हमारा चैनल उनकी आलोचना कर रहा था कि गरीबों के अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, और इसके लिए लगातार आपके अकाउंट से कभी 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 300 रुपये लगातार काटे जा रहे थे। और लास्ट टू लास्ट मंथ करीब 1700 करोड़ रुपये SBI ने सिर्फ गरीबों के अकाउंट से काट लिए थे। हम आपको बताएं कि न्यूनतम बैलेंस ना होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 41 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 41 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए थे, और इसको लेकर लोगों में एक ज़बरदस्त गुस्सा था SBI के थ्रू, क्योंकि SBI इस देश की सबसे बड़ी बैंक है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गरीब लोगों से इतना पैसा ना वसूला जाए। लेकिन SBI अब बैकफुट पर आ गई है और उन्होंने अपने चार्जेस कुछ कम कर लिए हैं, और ये नए चार्जेस 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे। हम आपको बता दें कि अभी तक जो मेट्रो, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर आप 3000 रुपये से कम बैलेंस रखते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। अर्ध शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर 40, वहाँ पर जो है 2000 रुपये, और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट में 1000 रुपये से कम रखते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है। अभी तक जो पेनल्टी लगती थी वो मेट्रो शहर में 50 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 50 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 40 रुपये लगते थे। लेकिन SBI के जो नए नियम आए हैं, उन नए नियमों के हिसाब से आपको मेट्रो शहरों में सिर्फ 15 रुपये लगेंगे, इसके अलावा अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 12 रुपये लगेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 10 रुपये लगेंगे, प्लस आपको GST देना होगा। GST अगर हम जोड़ दें तो मेट्रो शहरों में 17 रुपये 70 पैसे लगेंगे, और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 14 रुपये 16 पैसे लगेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 रुपये 80 पैसा लगेगा आपको। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वहाँ पर 18% GST लगता है। हम आपको बता दें कि SBI ने 1 अक्टूबर 2017 से मेट्रो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों का मिनिमम एवरेज बैलेंस से कम बैलेंस होगा उनके उसमें उन्होंने पैसा पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी आम आदमी को, गरीब लोगों को। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के अकाउंट ही जो है ना SBI में होते हैं, बड़े लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनकी थोड़ी बड़ी बैंकों में अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि ICICI, HDFC इस तरह के, क्योंकि वो वहाँ पर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, मुझे इसलिए पता है कि मेरी वीडियोस पे लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर किस तरह से मेरे स्कॉलरशिप आती है या मेरा जनधन का अकाउंट, और इसकी वजह से उन्होंने 200 रुपये काट लिए, 300 रुपये काट लिए, तो ये सब कुछ गलत है। अभी कुछ दिन पहले जो है ना SBI ने बहुत सारे लोगों के अकाउंट से 147 रुपये 50 पैसे काटे थे, और कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर उन्होंने 147 रुपये 50 पैसे तो काटे ही काटे, उसके साथ साथ 50-60 रुपये और भी किस चीज़ के काट लिए। जब वो कंप्लेंट करते तो इस चीज़ों का जो है ना कोई भी जवाब, सही संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। खैर, तो ये तो जो है ना चार्जेस उन्होंने कम कर लिए, और ये जो एक आम राहत भरी खबर है हम सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनके SBI में अकाउंट है। दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस खुशखबरी के बारे में पता लग सके। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम है V4 Innovative, इसको लाइक कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।